नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्टर आर के दमानी ने कैमलिन फाइन साइंसेज में 8% का स्टेक ले लिया है। लेकिन दोस्तों, मुझे तो ऐसी न्यूज़ है कि ये 1.5% का स्टेक ही है। लेकिन दोस्तों, 1.5% का स्टेक भी बहुत बड़ा स्टेक होता है। मिस्टर आर के दमानी जैसे लोग अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके बारे में क्या कंपनी के लेवल्स में आपको बाय करना चाहिए और क्या होने वाले टारगेट्स हैं, पूरी एनालिसिस होगी बाय द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो में वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो उसके आंसर्स मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुका होता हूं। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किपिंग, स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे व्यू पॉइंट्स, मेरे कमेंट्स, मेरे ओपिनियन आप मिस कर जाएंगे, तो कि उसको आपको फिर पूरी एनालिसिस समझ में आप नहीं पाएगी। तो ऐसा ऐसा मत करिएगा, वीडियो को पूरा स्किपिंग, विदाउट स्किपिंग पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने बेस्ट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि बिगिनर्स के लिए 2020 में काफ़ी अच्छा मुनाफा लाने वाले हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अगर आप सीजन इन्वेस्टर भी हैं, अगर आप ओल्ड हैंड हैं, तो भी आप इसको देख करके अपनी पोजिशंस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने लेवल और टारगेट दोनों डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं मेरे वीडियो में। दोस्तों, कैमलिन फाइन साइंसेस के कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये रबर कटर पेंसिल वाली कंपनी नहीं है, ये स्टेशनरी के बिजनेस में नहीं है, ये है केमिकल सेक्टर की कंपनी दोस्तों, जिसमें कि ये फूड ग्रेड के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा परफ्यूम के जो केमिकल्स हैं उसमें काम करती है, इंडस्ट्रियल केमिकल में काम करती है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें कि मेडिसिन एंड ड्रग्स, इसके अलावा बायोफ्यूल्स, तो आप समझ सकते हैं कितना डाइवर्सिफिकेशन है इसके बिजनेस में। फूड प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल के जो फूड होते हैं उसमें काम करता है, प्लस एनिमल हस्बेंड्री के आइटम्स में भी ये केमिकल कंपनी काम करती है। और ऐसा मानना है कि इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। मिस्टर दमानी के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये मिस्टर दमानी जी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए किस लिए जाने जाते हैं दोस्तों? आपको मालूम होगा कि एक कंपनी है VST इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, VST इंडस्ट्रीज में इन्होंने जब शेयर खरीदा था उस कंपनी का, तो वो सिर्फ 75 रुपये का था, आज वो शेयर 4200 रुपये पे है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इनका किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाना कितना बड़ा रोल प्ले करता है उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, उस कंपनी के आने वाली ग्रोथ के बारे में क्या कुछ बोल जाता है इनका एक इन्वेस्टमेंट और स्टेक। दोस्तों, ये हैं डीमार्ट के ओनर, डीमार्ट जो कि रिटेल बिजनेस में, जो कि शॉपिंग बिजनेस में और जो मॉल्स वगैरह के बिजनेस में, रिटेल स्टोर के बिजनेस में काम करती है। काफ़ी अच्छा बम्पर मुनाफा रहा है इस कंपनी का सिंस लिस्टिंग, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है इस कंपनी ने। अगर इनकी कंपनी के बारे में बात करें मिस्टर दवानी की, तो कंपनी का नाम है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैसे न्यूज आ रही है कि 18.2 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं और करीब 1.5% का स्टेक खरीद लिया गया है, जो कि एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है मिस्टर राधाकृष्ण दमानी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पेशियलिटी केमिकल बिजनेस में काम करती है कंपनी कैमलिन फाइन साइंसेस, ये कोई स्टेशनरी वाली रबड़ पेंसिल वाली कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं इससे जो न्यूज़ आ रही है मार्केट में, आर के दमानी जी जिन्होंने 1.5% का स्टेक Q3 पीरियड के दौरान खरीदा है और करीब 18.2 लाख शेयर्स कंपनी के खरीद लिए हैं, और आपको मालूम होना चाहिए आर के दमानी डीमार्ट के और रिनोन्ड इन्वेस्टर हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि कैमलिन कंपनी के थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप मात्र 925 करोड़ है, मतलब सही टाइम पे उन्होंने कंपनी को पिकअप किया है जब वो लार्ज कैप बन सकती है। तो दोस्तों, ये टाइमिंग है, आपको इसके बारे में सोचना है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूं। आप इसके प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, एंटॉक्स बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट के काम में काम करता है। इसके अलावा बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए आपके सामने दिए हुए हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी दिए हुए हैं, अगर आप जानते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। थोड़ा इसके Q2 के भी जो लेटली रिजल्ट आए थे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। उसमें 6.93 करोड़, ऑलमोस्ट 7 करोड़ का इसने प्रॉफिट पोस्ट किया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस एक स्मॉल एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए इतना बहुत है। कंपनी ने जो नेट सेल्स दर्ज करी थी वो तो करीब 222 करोड़ रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में था करीब 260 करोड़ के आसपास, तो थोड़ा सा
डाउनफॉल नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो करीब 7 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि जून के क्वार्टर में था करीब 15 करोड़, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 50% का डिप आया है नेट प्रॉफिट में। अगर हम लोग इसके टोटल फाइनेंशियल के बारे में बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि टोटल इनकम डाउन हुई है, नेट प्रॉफिट 50% के आसपास डाउन हुआ है, और ईपीएस भी उसी के अकॉर्डिंग 50% के आसपास डाउन हुआ है। अगर हम इसके वाईओवाई के बारे में बात करें दोस्तों, तो वाईओवाई में जो 18-19 के कंपेरिजन में 19-20 में तो 5% टोटल इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बाप रे बाप 4 गुना बढ़ा है, और ईपीएस भी उसी रेशियो में 4 गुना बढ़ी है। तो वाईओवाई परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कंपनी इसमें वेल पॉइज्ड है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप देखेंगे दोस्तों वाईओवाई में इसने 483 करोड़ रुपीज़ का पिछले, ये अब मैं हम लोग हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ ईयर की बात कर रहे हैं, हाफ ईयर में उसने 483 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो कि पिछले साल फर्स्ट हाफ में था 396 करोड़। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है फर्स्ट हाफ में, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है फर्स्ट हाफ में 22 करोड़, जो कि पिछले साल था 4.65 करोड़ का नेट लॉस। तो काफ़ी अच्छा मुनाफा दर्ज किया है इसने फर्स्ट हाफ में। ईपीएस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ गया दोस्तों, जो कि 0.38 था वो हो गया 1.85, जो कि फर्स्ट हाफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है आपके सामने है दोस्तों। फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस 22% टोटल इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 500% के आसपास, ईपीएस बढ़ा है उसी की रेशियो में करीब 500-600% के आसपास। कैमलिन फाइनेंसेस दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए माइक्रो कैप कंपनी है, इंडस्ट्री पी 32 की है, उसकी पी 136 है, मतलब ओवर वैल्यूड शेयर है एज ऑफ नाउ अपनी अर्निंग के मुताबिक, लेकिन डिविडेंड डील है नहीं क्योंकि इस समय ऑलरेडी डेट में कंपनी है, डेट लेवल हाई है इसका 1 के रेशियो से ऊपर 1.25 के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो दोस्तों डेट लेवल इस कंपनी का हाई है, जो चीज़ें आपके सामने हैं मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बुक वैल्यू 26 रुपये है, शेयर आपको थ्री टाइम्स के पी बी वैल्यू पर आपको अवेलेबल हो रहा है। दोस्तों इसके डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जुलाई 2016 में उसने 45% का डिविडेंड दिया था दोस्तों, उसके बाद से उसने पिछले 3 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, वो पूरे के पूरे पैसे को अपने ग्रोथ में यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंशन में यूज़ कर रहे हैं, और डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अगर इसका फेस वैल्यू देखें तो 1 रुपये की है, तो इसका मतलब उन्होंने जुलाई 2016 में 45 पैसे का डिविडेंड दिया था, उसके बाद से उन्होंने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। बैलेंस शीट के बारे में देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया था डेट लेवल बहुत हाई है, 437 करीब 38 करोड़ का डेट है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से करीब 22-23% बढ़ा है। तो डेट लेवल बढ़ रहा है दोस्तों आपके सामने है, कोई बाकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई भी नहीं है। अगर इसके शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो 11-12% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग प्लेज भी है, तो ये भी एक आपके सामने रेड फ्लैग है जो कि मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स के सामने है। FIIs बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग मिस्टर आशीष सुभाष दंडेकर, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग इज SBI मैग्नम मल्टी कैप ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है करीब 18-20%। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माइक्रो कैप कंपनी है तो इसके हो सकता है आने वाले समय में फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे और इसकी होल्डिंग भी इंप्रूव होगी, और आने वाले समय में जो जैसी केमिकल कंपनियां आगे काम कर रही हैं इस कंपनी का भी फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जो अभी है वो आपके सामने लाए हूँ, पिछले 1 महीने में इस न्यूज़ के चलते शेयर ऑलमोस्ट 60 रुपये से ऊपर होकर के इस समय 76 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। बम्पर 30% के रिटर्न 1 महीने में सेक्टर ने दिए हैं मात्र 1%, सेंसेक्स ने दिया मात्र 1.5%, और इसने दिए हैं 30% के रिटर्न 1 महीने में। सो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई है प्राइस में, अब इसमें यहाँ से शायद थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन कितना आता है दोस्तों, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। एक साल में दोस्तों करीब 40% रिटर्न्स हैं, 40% में से ये 30% रिटर्न्स तो अभी पिछले एक ही महीने के अंदर आए हैं, तो एक साल में ऑलमोस्ट यहाँ से देखा जाए तो फ्लैट ही रिटर्न थे। ये जो लास्ट का 30% का रिटर्न्स इसका पिछले 1 महीने में आया है।
सेक्टर ने -5, सेंसेक्स ने 16% के रिटर्न दिए हैं एक साल में। 3 साल के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुझे याद है ये 2017 के दौरान पे ये शेयर करीब 112, 115, 120 के आसपास चलता रहता था दोस्तों। वहाँ पे कई लोगों ने इसको खरीदने को कहा था दोस्तों। वहाँ पे जिन लोगों ने इसको खरीद रखा है बेचारे रो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से शेयर बड़ा भयंकर टूटा है, ऑलमोस्ट 20-25% टूट चुका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि पिछले एक साल से आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसके अब नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं और ये राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है अगर आप रिस्क टेकर हैं। तो रिस्क टेकर नहीं है तो भैया ब्लू चिप कंपनियां हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है सुबह सुबह, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ही इसमें घुसिएगा, अदरवाइज आपका बीपी लेवल अगर बढ़ जाता है शेयर स्टॉक गिरने में 5-10%, तो ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सेक्टर ने 42% रिटर्न दिया, सेंसेक्स ने 60% और इसने दिया -21% के रिटर्न। थोड़ा टेक्निकल जान लेते हैं दोस्तों, पिवट पॉइंट बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है, लोग जनरली बात नहीं करते हैं, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आगे जाके देख सकते हैं कि पिवट पॉइंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। 72 रुपीज़ का इसका 28 दिसंबर का पिवट पॉइंट पे ये खड़ा था दोस्तों। इसका जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस था वो था 75 और जो इसका सपोर्ट है वो है 68 रुपीज़। तो दोस्तों नीचे के लेवल पे मुझे लगता है 68 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से वो शॉर्ट टर्म में अगर वो नहीं गिरेगा तो दोस्तों ये इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं। ऊपर 75 इसने क्रॉस किया तो 82 इज़ माई फर्स्ट टारगेट एंड देर आफ्टर 88 इज़ माई सेकेंड टारगेट, और मेरे हिसाब से 90 के लेवल क्रॉस करने से पहले उसको कई बार अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट देने पड़ेंगे, तभी वो 90 क्रॉस करेगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिए हैं। हम लोग इसको चार्ट समझते हैं दोस्तों। ये है बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम, RSI, सबके वीडियो नीचे पड़े हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए एजुकेट करिए अपने आप को, खुद एनालाइज करिए, खुद स्ट्रांग बनिए, किसी के सहारे मत रहिए दोस्तों। RSI बता रही है कि ये शेयर यहाँ से ओवरबॉट लेवल में आने वाला है, तो यहाँ से आप इसको अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट के चक्कर में घुसना नहीं समझता हूँ मैं, इसको सही नहीं समझता हूँ। मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ से जब करेक्ट करके ऑलमोस्ट आपको 65-70 के लेवल पर मिले तभी आप इसको यहाँ पर बाय करिए, क्योंकि अभी ये शेयर ओवर वैल्यू हो गया है। आप देखिए यहाँ पर इसका जो बॉलिंजर बैंड है इसका स्टैंडर्ड डिविजन के आसपास वो टच करने जा रहा है, तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से ये शेयर 80 रुपीज़ तक जाएगा, उसके बाद ये शेयर करेक्ट करके नीचे आ सकता है 265-270 लेवल्स। यहाँ पर आपको 65-70 लेवल में आपको इसको इस टारगेट जोन में आप इसको बाय करेंगे मीडियम जोन के आसपास, ताकि आपको ये अच्छा मूव दे सके 10-15% का। तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है आपके लिए अगर आप इसके शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भैया जब दमानी जी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने आग बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। तो ये है इसका बॉलिंजर बैंड। जरा मूविंग एवरेज के बारे में जानते हैं दोस्तों। मूविंग एवरेज, MACD, मनी फ्लो इंडेक्स, तीनों के वीडियोस नीचे पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के देख सकते हैं, एनालिसिस करना सीख सकते हैं ताकि आपको किसी के सहारे ना रहना पड़े। दोस्तों पहले तो देखते हैं भाई ये मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है। तो मूविंग एवरेज हमें बताता है, ये पर्पल लाइन इज शोइंग 20-डे मूविंग एवरेज, रेड इज शोइंग 50-डे मूविंग एवरेज, ग्रीन इज शोइंग 100-डे मूविंग एवरेज एंड ब्लू इज शोइंग 200-डे मूविंग एवरेज। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये 20-डे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, मैंने आपको बताया इसका सपोर्ट जोन है 65-70, यही जो मेन लेवल है यहाँ पे आपको बाय करना है। अभी शेयर ये ओवरबॉट लेवल पे चला गया है, यहाँ से थोड़ा सा बचिए, और क्योंकि यहाँ से शेयर हो सकता है 75-80 की तरफ चला जाए ऊपर की तरफ, लेकिन वहाँ से पक्का करेक्ट करेगा और आपको इसको 70 के लेवल बाय करना है अगर आपको उसको बाय करना है, वरना आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे आपका है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ और अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा इस जगह पर। MACD के बारे में देखते हैं दोस्तों। MACD ने बता दिया कि शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरा मानना है ये 80-85 मैक्सिमम 90 के लेवल जाएगा, 90 से ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है जब तक ये कुछ अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं पोस्ट करता, जो कि इसने पिछले भी क्वार्टर्स में किए हैं। तो इट हैज़ बीन गिविंग गुड परफॉर्मेंस और अब की बार भी उसने अगर ये रेप्लिकेट किया तो आप समझिए शेयर भागेगा। अभी देखिए ये शेयर यहाँ पर ओवरबॉट जोन पर आ गया है, तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है इस शेयर को एज ऑफ नाउ। कल पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि था 27 दिसंबर को, तो 27 दिसंबर को शेयर में क्वांटिटी ट्रेड हुई 4,50,000 4,45,000 के आसपास,
और जो डिलीवरी हुई है वो करीब 59% की डिलीवरी है दोस्तों, शानदार डिलीवरी। मतलब 60% लोग इसको अपने डीमैट अकाउंट में वापस लेकर के गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीपल आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस, और इसमें 4-5% का जंप भी आया था। तो मेरे हिसाब से इसमें ऊपर का टारगेट अभी 80 बनता है, जिस हिसाब से तेज़ी चल रही है। रब ऑफ इफेक्ट के चलते चलते ही ये शेयर 80 तो पक्का जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बाइंग में वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, 30% एक महीने में ऑलरेडी भाग चुका है। यहाँ पे ऊपर जाने में रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो करें, पैसा आपका है। तो दोस्तों ये राकेश दमानी जी की परचेज थी, 1.5% का स्टेक इन्होंने लिया है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। 8% की कुछ र्यूमर्स चल रही हैं जो कि मुझे भी कंफर्म नहीं हुई हैं, जैसे कंफर्म होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेवल्स टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ स्मैश द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको उसका अपडेट मिलेगा, तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। कोई कमेंट है किसी स्टॉक के बारे में, इसके अलावा भी किसी और स्टॉक के बारे में क्वेश्चन क्वेरीज हैं, आप पक्का पूछिए ताकि मैं उसको एनालाइज करके आपके सामने पोस्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।